नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। पनामा पेपर लीक मामले में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को, यानी विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे 7 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। इस पूछताछ में ईडी ने ऐश्वर्या राय से उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी कंपनियों, उनकी बंद कंपनियों, अमिताभ बच्चन और उनकी बेची गई कंपनियों के बारे में कड़ी पूछताछ की। कौन कौन से सवाल किए हैं ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से और किन किन सवालों के जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईडी को दिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में सवालों के साथ। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। तो ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पहला सवाल क्या किया? ईडी ने सबसे पहला सवाल जो ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा है वो पूछा कि आप किन किन कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर रही हैं। ईडी का पहला सवाल था कि जिन जिन कंपनियों पर वो डायरेक्टर के पद पर थी वो कौन कौन सी कंपनियां थी, कितनी नंबर ऑफ कंपनियां कितनी थी। दूसरा सवाल जो ईडी ने दागा ऐश्वर्या राय बच्चन के सामने वो था कि अमिताभ बच्चन जिन कंपनियों में डायरेक्टर थे बाद में उनके शेयर क्यों बेच दिए गए, बाद में क्यों बेचे गए उन कंपनियों के शेयर जिन कंपनियों में अमिताभ बच्चन डायरेक्टर थे। 2008 के बाद कंपनी को क्यों बंद कर दिया गया? 2008 वो समय था जब शादी के बाद ऐश्वर्या राय की वो कंपनियां बंद हो गई जिनकी वो डायरेक्टर थी। अगला सवाल जो ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा वो ये था कि क्या आपकी कंपनी ने RBI से वित्तीय लेन देन की मंजूरी ली थी। ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने पूछा कि जो भी वित्तीय लेन देन था क्या उसके लिए आपने RBI से मंजूरी ली थी। पांचवा सवाल जो सबसे अहम था, ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछा कि शादी के बाद कंपनी को क्यों बंद कर दिया गया और $50,000 की कंपनी को महज $1,500 में क्यों बेच दिया गया। ये 5 अहम सवाल थे जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त हुए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईडी ऑफिस को दिए हैं। पनामा पेपर लीक मामले में सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। ऐश्वर्या से उनकी कंपनियों और बैंक अकाउंट्स के बारे में सवाल हुए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को सूत्रों ने बताया कि ईडी ने ऐश्वर्या से पूछा कि उन्होंने $50,000 में खरीदी गई कंपनी को महज $1,500 में क्यों बेच दिया, अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद कंपनियों को क्यों बंद कर दिया गया। ईडी ने सोमवार को उनसे दिल्ली के लोकनायक भवन में पूछताछ की। ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या के लिए सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार कर चुके थे। वे शाम 7:30 बजे ईडी ऑफिस से रवाना हुई। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या ईडी दफ्तर के पिछले दरवाजों से निकली। उन्होंने ईडी के सामने केस से जुड़े कुछ दस्तावेज भी सबमिट किए हैं। दरअसल पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 1500 लोगों के नाम शामिल होने की बात सामने आई है। इसमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम हैं। इन लोगों पर टैक्स की हेरा फेरी का भी आरोप है, जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी अब जांच में जुट गई है। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी देश की कई बड़ी हस्तियों को जांच में शामिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वे कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। भारत की बात करें तो करीब 500 लोगों के नाम सामने आए। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में जबकि 1 वर्जिन आइसलैंड में। इन्हें 1993 में बनाया गया था। इस कंपनी की कैपिटल 5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। ऐश्वर्या को पहले कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया था। कंपनी का नाम आमिक
पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइसलैंड में था। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता के रॉय, माँ वृंदा रॉय और भाई आदित्य रॉय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। यह कंपनी 2005 में बनाई गई थी। 3 साल बाद यानी कि 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। महानायक अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने जो पूछताछ की है, इस पूरे मामले में हम लगातार जो भी नए अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें NBT एंटरटेनमेंट। नमस्कार।